जी दोस्तों, मैं आस करता हाँ कि आप सब ठीक ठाक होगे। इस वीडियो नू वध तो वध शेयर करो अते नाल ही चैनल नू सबसक्राइब कर लो, क्योंकि आउण वाली जिहड़ी वीडियो है वो सब तो पहला तुहानू पहुँच सके। अज गल करनी है ढिलों गोद बारे। ये जट्टां दा जिहड़ा ढिलों गोद है, ये सरोया राजपूतां विच हन। 8वीं सदी विच तूरां ने शाह सरोया दे वंश दे लोकां ढिलों संघे मल्ली दुसांझ ते ढींडसे भाईचारे दे लोकां तों दिल्ली खोई सी। ये दिल्ली दा खेतर छड के राजस्थान वल आ गए। फिर काफ़ी समय मगरों इस भाईचारे दे लोक सरसे ते बठिंडे दे इलाके तों उठ के हौली हौली सारे पंजाब विच खिलर गए। कुछ बठिंडे तो चल के अगे फिरोजपुर ते लुधियाने दे सतलुज दरिया के नाल लगते खेतरां विच पहुँच गए। फिरोजपुर दे बहुते ढिलों माझे वल चले गए। लुधियाने खेतर तो बहुते ढिलों दुआबे वल चले गए। ढिलों सूरजवंशी हन। अमृतसरी ढिलों की वंशावली अनुसार ढिलों महाभारत के सूरमे ते महान दानी राजा करण के पुत्र लोह सैन का पुत्र सी। करण कुरुक्षेत्र के युद्ध विच मारिया गया सी। उस दी वंश दे लोग पहला राजस्थान ते फिर पंजाब दे बठिंडा खेतर विच आए। हुण भी बठिंडा दे दक्षणी खेतर विच ढिलों जट काफ़ी गिणती विच आबाद हन। ढिलों खानदान दे लोग मोगे दे खेतर विच भी काफ़ी वसदे हन। इस इलाके विच जमीयत सिंह ढिलों दा पुत्र बाबा गुरिंदर सिंह राधा स्वामी अते मत ब्यास शाखा दा सतगुरु है। मोगे दे ढिलों बहुत ही प्रभावशाली जट हन। इन बहुत उन्नती की है। B.S. दाहिया ढिलों गोद दे जटा नूं भारत दा एक बहुत पुराना कबीला मनदा है। ये सिकंदर दे हमले दे समय भी भारत विच वसदे सन। ईसवी सदी तों पहला यूरप विच इस भाईचारे दे लोग भारत विच्चों ही गए। ढिलों गोद दे लोग छिंबे आदि पिछड़ियां श्रेणियां विच भी हन। जिहड़े ढिलों जट्टां ने पिछड़ियां श्रेणियां नाल रिश्तेदारियां पा लईआं जां पिछड़ियां श्रेणियां वाले काम करन लग पए, वह पिछड़ियां श्रेणियां विच रल मिल गए। गोद नहीं बदलिया, जाति जरूर बदल गई। मोगे अते फिरोजपुर तों अगे सतलुज पार करके कुछ ढिलों भाईचारे दे लोग माझे विच आबाद हो गए। कुछ होर अगे गुजरांवाले तक चले गए। सांझे पंजाब विच अमृतसर के गुजरांवाले विच ही सब तो वध ढिलों आबाद सन। ढिलों भाईचारे के लोग 16वीं सदी के अंत विच राजस्थान ते हरियाणा तो पंजाब विच आ के मालवे के इलाके विच ही सब तो पहला आबाद होए सन। हरी सिंह पुत्र भूमा सिंह मालवे के पिंड रंगू प्रगणा बदनी जिला मोगा तो ही जाके भंगी मिसल दे सरदार बने सन। महाराजा रणजीत सिंह दे समय जब भंगी मिसल दे ढिलों सरदार हार गए तो वह मालवे दे जंगली इलाके विच फिर वापस आ गए। मुसलमान हमलावरां दे समय भी माझे तो लोग मालवे विच आम ही आ जांदे सन। भंगी मिसल दी हार कारण ढिलों बरादरी दे कुछ लोग अमृतसर दे इलाके विच ही रह पए अते रोस वजों मालवे दे जंगलां वल तुर पए। ढिलों बरादरी दा एक बजुर्ग बाबा रत्तू झबाल दे इलाके दे एक प्रसिद्ध पिंड मूसे तो उठ के बठिंडे दे इलाके विच बंग हेर विच आ वसिया सी। गुरु गोबिंद सिंह सन 1705 ईस्वी विच जद बठिंडे दे इलाके बंग हेर विच आए तां इस पिंड दे बाबे मेहरे ढिलों ने गुरु साहिब नूं आप आम साध समझ के अपना मारखुंड झोटा छड दिता। गुरु साहब ने नाराज़ होकर ढिलों जट्टां नूं सराप दिता। माफ करना, ढिलों बरादरी दियां बीबियां ने गुरु साहब नूं सारी असलियत दस दित्ती। गुरु साहब ने खुश होकर बीबियां नूं वर दिता कि तुसीं जिस घर भी जाओगियां राज भाग प्राप्त करोगियां। बाबे मेरे
ते उस दे साथियां ने गुरु साहब तो माफ़ी मंगी। बाबे मेरे दे पुत्रां ने अपने नाम दे 3 नवें पिंड कोट फत्ता, कोट भारा ते कुद्दा आबाद किए। ये 3 पिंड बठिंडे जिले विच हन। इन्हां पिंडां दी ढिल्लों बरादरी नूं हुण तक वंगहेरिए ही कहा जाता है। कुद्दे पिंड विचों उठ के सरदार फतेह सिंह ढिल्लों ने 1830 ईस्वी के लगभग बादल पिंड आबाद किया। सरदार फतेह सिंह ढिल्लों प्रकाश सिंह बादल का पड़दादा से। प्रताप सिंह कैरों भी ढिल्लों जट से, जो काफ़ी समा पंजाब का मुख्यमंत्री रहा। कुद्दे वाले ढिल्लों दवाने साधा के चेले सन। इस कारण ही गुरु गोबिंद सिंह जी मुक्तसर तो तरुंडी साहब पहुँच जाते हुए इस पिंड विच दाखल नहीं हुए। इस पिंड के खेतों विच दी ही अगे चले गए। हुण इस इलाके के सारे ढिल्लों दसवें गुरु के पक्के सिख हैं। मालवे के सारे जिलों विच ही ढिल्लों जट काफ़ी गिणती विच आबाद हैं। ढिल्लों नाम दे पंजाब विच कई पिंड हैं। ढिल्लों के प्रोहत मरासी होंदे हैं। इन्हां नूं ढिल्लों दीआं मूहियां बारे काफ़ी जानकारी हुंदी है। ढिल्लों के 3 उपगोत बाज, साज ते संधे हैं। गुराए जट भी ढिल्लों नूं अपनी बरादरी विचों समझते हैं। वेखण विच ढिल्लों भाईचारे के लोग ढिल्ले लगते हैं, पर दिमागी तौर पर बहुत चुस्त होंदे हैं। लुधियाणे विच भी ढिल्लों जट काफ़ी समय तो बाद हैं। इस खेत्र विच एक पिंड का नाम ढिल्लों है। उत्थे इन्हां ने अपने जठेरे बाबा जी का मठ बनाया है। इस थां दिवाली ते अपने जठेरे की पूजा की जाती है। पुत्र के जन्म ते विआह की खुशी विच गुड़ आदि का चढ़ावा दिता जाता है। ये सारी पूजा ब्राह्मण नूं दिती जाती है। लुधियाणे के खेत्र विच घुंघराण भी ढिल्लों गोत का उगा ते पुराना पिंड है। इत्थे ही ढिल्लों भाईचारे के लोग अपने वडेरे की पूजा करते हैं। सियालकोट खेत्र विच ढिल्लों बरादरी का जठेरा दाहूद शाह सी। विआहां दे मौके इसकी मानता की जाती सी। सियालकोट विच बहुते ढिल्लों जट मुसलमान बन गए हैं। हरियाणे विच ढिल्लों हिंदू जाट हैं। ये अपने वडेरे राजे करन की चेत चौदस की पूजा करते हैं। इसका गंगा के किनारे अंब के स्थान पर मंदिर है। दुआबे विच भी ढिल्लों बरादरी के लोग काफ़ी आबाद हैं। कपूरथला विच इस बरादरी का प्रसिद्ध पिंड ढिल्लों है। जलंधर, नवांशहर के हुशियारपुर के खेत्र विच भी ढिल्लों के कई पिंड हैं। रोपड़ विच कुरड़ी भी ढिल्लों गोत के जट वसते हैं। हरियाणे के सरसा, हिसार, अंबाला ते करनाल आदि खेत्रों में ढिल्लों हिंदू जट भी हैं, जट सिख भी हैं। पछमी पंजाब के सियालकोट, लाहौर ते गुजरांवाला खेत्र विच ढिल्लों बरादरी के बहुते जट मुसलमान बन गए हैं। लुधियाणे ते दुआबे विच बहुत सारे ढिल्लों बरतानिया, अमरीका ते कनेडा विच चले गए हैं। 1881 ईस्वी की जनसंख्या अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी पंजाब ते पूर्वी पंजाब विच ढिल्लों जट्टां दी गिणती 86,563 सी। ढिल्लों जट्टां दा एक बहुत वड्डा गोत है। इस बरादरी दे लोक सारे पंजाब विच फैले हुए हन। पंजाब तों बाहर भी ढिल्लों कई बाहरले देशां विच वसदे हन। कई अंग्रेज़ भी अपना गोत ढिल्लों लिखते हैं। इन्हां दे वडेरे जरूर पंजाब तों ही गए होणगे। हुण भी जिहड़ियां अंग्रेज़ औरतां पंजाबी जट्टां नाल विआह करदियां हन, उन्हां दी वंश दे लोकां दे गोत पंजाबी जट्टां वाले ही होणगे। गोत नहीं बदलते, धर्म ते जाति बदल जाती है। ढिल्लों हिंदू, मुसलम, सिख, ईसाई चारे धर्मां विच हन। देव समाजी ते राधा स्वामी भी हन। खानदान ढिल्लों विचों पिछों पिंड वाले भाई कान सिंह नाभा निवासी महान विद्वान हुए हैं। इन्हां दी प्रसिद्ध पुस्तक महान कोश बहुत ही महान ते खोज भरपूर रचना है। पंगी मिसल दे मुखिए भी ढिल्लों जट हैं। ढिल्लों बहुते सिख धर्म विच हैं। ढिल्लों जट्टां दा प्रातन ते जगत प्रसिद्ध गोत है।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇ, ਕੈਰੋਂ, ਝਬਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਵੜ ਆਦਿ ਢਿੱਲੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੱਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਬਾਦ ਹਨ। ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟਮ ਔਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦਵ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗੋਦ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਕਿਉਂ ਗੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।